असल वेलकम यू ऑल हियर हियर वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल वी हैव पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स ठीक है ये कोई से चार हम यहाँ पे र, आ, कोई भी अलजबरिक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेते हैं ठीक है और ये सारे जितने भी अलजबरिक एक्सप्रेशन गिवन है ना आर पोलिनोम अगर वो पोलिनोम्स भी हैं अब देखिए वर्ड पोलिनोम से ही हमें क्लियर है कि जो भी हमें पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स एस ओफ एक्स एवन है उसमें सब वेरिएबल्स की पावर्स पॉजिटिव हैं ठीक है अगर ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हैं तो हम इन्हीं पोलिनोमियल्स के लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं कि पी ऑफ एक्स को अगर आप क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं और वो आर ऑफ एक्स ओवर एस ओफ एक्स की इक्वल है इसका मतलब ये है कि ये तभी इक्वल पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ तब ये एग्जिस्ट कर सकता है जब p ऑफ x और r ऑफ x के इक्वल हो और इसी तरह q ऑफ x एंड s ऑफ x के बना इसका मतलब है दोनों न्यूमरेटर्स आपस में इक्वल हूँ दोनों डी इक्वल हो ठीक है अब हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर देते हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि ये प्रॉपर्टी कैसे टूल ठीक है मैथमेटिकली जब कोई एक्सप्रेशन हम कंसिडर करेंगे ना तो उससे जरा क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्यों इस तरह की वन है तो ऐसा करते हैं हम यहाँ x एक्सप्ल वन डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वन कंसिडर करते हैं और इसी तरह ये एक्सप्रेशन x प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन के ही इक्वल है क्यों क्योंकि दोनों न्यूमरेटर्स आपस में इक्वल है और दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल तो मतलब दो रेशनल एक्सप्रेशन तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके न्यूमरेटर्स इक्वल हो और उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो ठीक है तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक, एक एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं एक्स स्केर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन और यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वन ओवर स्केडर कर लेते हैं ठीक है तो आप देखते हैं इन दोनों में न्यूमरेटर्स इक्वल नहीं है और ना ही डी नोम इक्वल है इट मीनस ये दोनों रैशनल एक्सप्रेशन भी इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब ये यहाँ पे आप इन्हीं करें तो मतलब ये प्रॉपर्टी ये थी कि जब हमारे पास दो रैशनल एक्सप्रेशन इक्वल हु तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसमें दोनों न्यूमरेटर इक्वल हों और दो हाउ डिनटर इक्वल द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ठीक है प्रीवियस हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो इक्वेलिटी के लिए थी अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं विच इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एक्सप्रेशन इस तरह गिवन है पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स के अगर हम उनको इस फॉर्म में लिखते हैं तो रिजल्ट हमेशा इक्वल आता है इसका मतलब क्या है ठीक है इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर रैशनल एक्सप्रेशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है क्या इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन एक्स स्केयर प्लस फोर इक्वल्स एक्स स्केर प्लस वन ओवर फोर एक्स स्केयर प्लस वन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन हो और हम कह रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं क्यों इक्वल हैं ऐसा करते हैं इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ठीक है तो ज़रा इसी के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं फोर एक्स स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आप देख सकते है, four common हैं फोर कॉमन आ रहा है अगर आप फोर कॉमन लेते हैं तो फोर एक्स स्क्र प्लस वन आंसर बच रहा है और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो मजीद सिम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है में इस वजह से मैंने इस एक्सप्रेशन को एडेंट लेती है ठीक है अब आप देखें दोनों अगर आ, ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है उसमें देखा जाए तो फोर फोर आ रहा है इसका मतलब है फोर और फोर को हम कैंसिल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं जब हमने फोर और फोर को कैंसिल किया तो ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर रैशनल एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो दोनों इक्वल आ रहे हैं इक्वल आने का मतलब है इन दोनों के नोमनेटर्स भी इक्वल है और डिनोमिनेटर्स भी इक्वल है इसका मतलब ये है कि जब भी हम रैशनल एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं वहां पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी वोट कर सकती है ठीक है तो एग्जाम्पल के लिए अब हम ऐसे करते हैं कि एक रैशनल नंबर कंसिडर करते हैं और उसकी को हम देखते हैं एक वो रैशनल नंबर कैसे इक्वल हो सकता है आप देखिए फोर बाई सी ट्वेंटी गिवन है ठीक है और ये वन बाय फाइव की इक्वल है हम चेक कर देव की इक्वल है भी या नहीं तो आप इस साइड को जरा सॉल्व करके देखें फोर वन जार फोर फोर फाइव सर ट्वेंटी बाय फाइव के इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों रैशनल नंबर गिवन थे ये दोनों आपस में इक्वल थे ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन गिवन होगा और कोई से दो रेशनल एक्सप्रेशन में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है अगर एकद रैशनल एक्सप्रेशन में न्यूमिनेटर डी से कुछ कॉमन लेने के बाद कैंसल हो रहा है उसके बाद वो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है मतलब ये है कि उस एक्सप्रेशन में हमेशा कैंसिलेशन अब हम ऐसा करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं डेट इज एडिशन प्रॉपर्टी फॉर ठीक है इस प्रॉपर्टी को हम एडिशन प्रॉपर्टी कहेंगे और एडिशन प्रॉपर्टी के लिए ऐसे करते हैं पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस ऑफ़ ऑफ़ इनको अप करते हैं ठीक है तो वो इक्वल होंगे क्यू ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स सिमिलरलीटर में पी ऑफ एक्स के साथ एस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें और प्लस आर ऑफ एक्स के साथ Q of X को मल्टीप्लाई करें, ठीक है तो मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी लिखी है इसे हम कहते हैं ये एडिशन प्रॉपर्टी फॉर रैशनल एक्सप्रेशन ठीक है थीके? तो मतलब इसको हम हमेशा यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स uh, सी एक एक्सप्रेशन uh, गिवन हो थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन सिमिलरली नाइन एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक एक्सप्रेशन गे वन है ठीक है और वो इस फॉर्म में और ये रैशनल एक्सप्रेशन है अगर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर्टी ये होल्ड करती है कि दोनों डी नोम को आप यू कंबाइन करके लिख लें ठीक है और फिर थ्री एक्स प्लस वन के साथ आप इस वाले डी नोम को मल्टीप्लाई कर दें और नाइन एक्स प्लस थ्री एक्सेस के साथ इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लस वन को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो रैशनल एक्सप्रेशन की एडिशन प्रॉपर्टी कहलाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीन तरह की प्रॉपर्टीज यूज की है जिसमें हमने इक्वलिटी कैंसिलेशन और एडिशन प्रॉपर्टी को दो रैशनल एक्सप्रेशन की इक्वलिटी के लिए डिफाइन किया है तो तीनों की डिफरेंट टेक्निक्स हैं बहुत से ऐसे क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं जिसमें हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है इस वजह से आपने प्रॉपर इन प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करना है और नेक्स्ट uh, हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे लेक्चर इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस थ्री मोर प्रॉपर्टीज से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन